कालाभ्रंगटाक्षरिकोल भयदांग मौलिर्वधे इंदुरेखांग शखं शक्रंग नृपाण त्रिशिखमी गरुद वहतीनेत्रांग सिंहं स्कंधाधिरूढ़ त्रिभुवन वखिला तेजसा पूरयंती ध्याये दुर्गां जयाख्यां दृश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी सेवितां सिद्धिकामयी। कृपामयी वात्सल्यमयी करुणामयी जगतर सिद्धिदात्री जगतर सकल जनमानसर विपत्त तारिणी विपद तारिणी माँ जगत जननी अम्बे अंबिके अम्बालिके माँ दुर्गे दुर्गतिनाशिनीकर चरणार बिंद तले अनंतकोटि दंडवत पूर्वक आज भव्य दिव्य सकाल को आपण मान को स्वागत जनला बेले जो सप्तशती चंडीर पाठ बा मार्कंडेय पुराण उद्धृत सप्तशती चंडी आम आपण मान निकट षोडश दिन पूजा भितर प्रथम दिवस आरंभ कर षोडश दिवस पर्यंत समर्पणर भाव नैवेद्य बाढ़ीदेलु आपण मानकर सम्मुखें एवं मातृ चरणारविंद तले ये सकल दिव्य चंडीपाठ को विशुद्ध चंडीपाठ को समर्पणर बार्तार समर्पी देलु से ही भव्य दिव्य चिंतन भितर कि शंका आंकार कि समाधान जो शंका आपण मान मनरे जो शंका हुए तो आमर शत्रुमंडली पाखु आम मानक प्रश्न रूप से आसी से शंका को समाधान करने को गला बेले प्रथम प्रश्न थिला बा प्रथम शंका थिला माँ दुर्गा तांकर अवतार प्रथमतः हे आत्मन हे दिव्य श्रोतृमंडली एक आपण मान को कहला बेले मार्कंडेय पुराण अंतर्गत माँ मार्कंडेय पुराण उद्धृतांश जो सप्तशती चंडी रही से सप्तशती चंडी रे माँ दुर्गा नवदुर्गा बोली अभिहित करवदुर्गा रूप को वर्णना करने को गला बेले प्रत्येक नवदुर्गा गोटे गोटे रूप आसती से रूप से माँ होती निजर मंत्रे एवं प्रत्येक रूपर मंत्रे पूजिता और प्रत्येक रूप से मंत्रर मध्य जो सिद्धि रही साधकर जो साधना रही भिन्न भिन्न तेणु प्रथम आपड़ जाणि रखु माँ जो नवदुर्गा रूप प्रथम शैलपुत्रीश्च द्वितीय चक्रधारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीस्तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकृतिता ये हूँ माँ नौगोटी रूप आई जो नौगोटी रूप ये नौगोटी रूप आसी कौठ ना जेतेबेले अकर्म कर्मदायक मंगलमय शंकर भगवान को प्राप्ति करने निमित्त माँ गौरी माँ शैलाधिराजतनया माँ पार्वती तपाचरण कले से तपाचरण करने समय ऋतुचक्रर परिघूर्णयमान समय आई समय चक्र माँ जो रूप गुड़िक आसी रूप को नहीं हूं तो विशेषतः भाव प्रामाणिक मत देवाक गला बेले ये नौ दुर्गा रूप बा नवदुर्गा रूप हूं आनीत होती जो प्रथम रूप शैलपुत्री रूप शैल कहले पर्वत माँ थे पर्वत राजनंदिनी शैलाधिराजतनया बोल संबोधन करें माँ को तेणु से शैलपुत्री रूप से माँ हूँ प्रथम दिन पूजिता देवी जो नवरात्र पूजा कराए से नवरात्र पूजा माँ हूँ प्रथम दिन पूजिता देवी हूँ शैलपुत्री आमर सनातन धर्मर मत अनुसार सनातन धर्मग्रंथ अनुसार माँ हुए तो दुईट नवरत्र पूजिता हूँ गोटे बासंतिक दुर्गा पूजा होता बेले आ गोटे हूँ शारदीय दुर्गा पूजा ये शारदीय दुर्गा पूजार आउ गोटे नाम अच्छी जहाँ आम अकाल बोधनी पूजा बोल कहूँ कहीं देवशयनर विधि चली बेले माँ को जेहेतु उत्थापन करेणु से ही भाव उचाट भितर माँ को अकाल बोधनी पूजा बोल शारदीय दुर्गा पूजा को कहुए तेणु से ही चिंतन भितर माँ हूँ प्रथम देवी हिसाब से माँ हूँ शैलपुत्री आैलपुत्री ये जो देवी ये माँ हूँ तर मंत्र हूँ वंदे बांछीतलाभय चंद्रार्ध कृत शेखरा कृपा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी ये माँ प्रथम स्वरूप महान हूँ वृषभ माँ एथेरे वृषभ वाहिनी बाम हस्तरे त्रिशूल दक्षिण हस्तरे पद्म शैलाधिराजतनया हूँ माँ रूप आउ ये दक्ष यज्ञर जो आत्माहुति देथिबा कन्या सतींकर पूर्व जन्म तेणु से ये माँ ना हूँ अन्य नाम पार्वती
ତାଙ୍କୁ ହୈମବତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗୀମାନେ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତି, ଆମର ମଣିଷର ଶରୀର ନବଦ୍ୱାର ପୁରେଇ ଦେଇକରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ମଣିଷର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚକ୍ର ଭିତରୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ସାଧକମାନେ ଦେବୀ ସାଧନା କରନ୍ତି ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୂଜା। ପୁଣି ନବରାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ମାଆଙ୍କର ଆସେ, ସେ ଅବତାର ନାଁ ହେଉଛି, ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ପୂଜାଏ ଦଧାନାଙ୍କର ପଦ୍ମାଭ୍ୟାଂ ଅକ୍ଷମାଳା କମଣ୍ଡଳୁ ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁମାହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଉତ୍ତମା। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ଇଏ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରତା, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରୂପ। ମାଆଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଜପମାଳା, ବାମ ହସ୍ତରେ କମଣ୍ଡଳୁ। ଆଉ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ରୂପ, ଇଏ ମାଆ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ଏଇ ଜନମାନସରେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା କେହି କରିନି କି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ଥା, ସର୍ବସମର୍ଥା ମା। ହଜାରେ ବର୍ଷ ଫଳମୂଳ ଖାଇକରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଶହେ ବର୍ଷ କେବଳ ପତ୍ର ଖାଇକରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ତେଣୁ ଇଏ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଯୋଗୀମାନେ ବା ସାଧକମାନେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ସାଧକମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆମେ କହୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁ, ଇଏ ମା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରତା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦରେ ହୁଏତ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଥିଲେ ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ। ରାକ୍ଷସ କୂଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ହୁଏତ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନାମକରଣର ପ୍ରକରଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ସେ ସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ପିଣ୍ଡଜା ପ୍ରବରାରୂଢ଼ା ଚଣ୍ଡକା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଯୁକ୍ତା ପ୍ରସାଦଂ ତନୁତେ ମହ୍ୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି ବିସ୍ମୃତା। ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ଆଉ ଇଏ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ। ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା ୟାଙ୍ଗ ଯଶ୍ୟା ସହ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା, ଦଶଭୁଜା ଦେବୀ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭୁଜରେ ଅସ୍ତ୍ର, ସିଂହ ବାହିନୀ, ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯାହାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଇଏ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧାରୂଢ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ରୂପ। ଏଥିରେ ସାଧକ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ଇଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧନ କରେ, ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଏ ସାଧକ ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତ କରିପାରେ, ସାଧକର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ଦେବୀଙ୍କର ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ସୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କଳସଂ ରୁଧିରା ପ୍ଲୁତମେବ ଚ ଦଧାନା ହସ୍ତପଦ୍ମାଭ୍ୟାଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶୁଭଦାସ୍ତୁମେହେ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା କିଏ ନା, କୁଶ୍ଚିତ ଉଷ୍ମା କୁଷ୍ମା ତ୍ରିବିଧ ଜପଯୁକ୍ତା ସଂସାର ସା ଅଣ୍ଡେ ମାଂସପେଶ୍ୟାଂ ଉଦର ରୂପୟାଂ ଯଶ୍ୟା ସାହା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ଇଏ ସଂସାରରେ ତିନୋଟି ତାପ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତିନୋଟି ତାପକୁ ଯିଏ ଉଦରରେ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସେ ତ୍ରିତାପ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ। ଏ ତିନୋଟି ତାପକୁ ଉଦରରେ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା ବା ତ୍ରିବିଧ ତାପଯୁକ୍ତ ସଂସାର ଯାହାଙ୍କର ଉଦରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା କହନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସକଳ ଜଗତକୁ ତ୍ରିତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି। ୟାଙ୍କର ନିବାସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତସ୍ଥ। ପୁଣି ଇଏ ଦେବୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅପୂର୍ବ ତେଜଯୁକ୍ତ ଆଭା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ, ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ପଦ୍ମ ବାଣ ଧନୁ କମଣ୍ଡଳୁ ଚକ୍ର ଗଦା ଅମୃତ କଳସ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ ଜପମାଳା। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କର ସକଳ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ। ଆଉ ସାଧକ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଜପ କଲେ ଦେବୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ମାତା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ରୂପ, ଏ ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସିଂହାସନାଗତା ନିତ୍ୟଂ ପଦ୍ମାଶ୍ରିତ କରଦ୍ୱୟଂ ଶୁଭଦାସ୍ତୁ ସଦା ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତା ଯଶସ୍ୱିନୀ ସ୍କନ୍ଦମାତା ଯଶସ୍ୱିନୀ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ
आउ सप्तशती चंडी रे टिके व्यतिक्रम देखा जाए। कौन व्यतिक्रम ना पुराण रे वेदमंत्र आ जो चंडी भितर जो दिमत आसे से दिमत होउची छांदोग्य श्रुति अनुसार भगवतींकर शक्ति रु उत्पन्न होइतिबा सनत कुमारंकर अन्य ना होउची स्कंद। तेणु सनत कुमारंकर मां हिसाब रे अंकु स्कंद माता बोली कहा जाए। पुणी हुए तो पूजित मूर्ति को जदि आपण माने देखंती तेबे पुराण अनुसार जो व्यासंकर लिखित पुराण से अनुसार स्कंद कहिले कार्तिकेय आउ कार्तिकेयंकर जननी को मध्य स्कंद माता कहा जाए। जेतेबेले तारकासुरर उत्पात ये पृथ्वी पृष्ठ को थरहर करूथला देवतागणंकर शिवंक निकट रे स्तुति थिला शिवकर नामृत हे शंभु शिव हे महेश्वर विभु ए प्रकार स्तोत्र रे स्तुति करूथिले से स्तुति समय रे जो मांकर भगवान शंकरंक सहित जो विवाह हेतला से विवाहर फलश्रुति पूर्वक बा स्वरूप रे जन्मलाभ करथिले कार्तिकेय जहांकर अन्य नाम थिला स्कंद। तनो से हिसाब रे मांक कहा जाए स्कंद माता एवं छंदोग्य श्रुति अनुसार सनत कुमारंकर माता हिसाब रे मध्य मांक कहा जाए स्कंद माता। से जहाँ भी हो ये पुराण रो व्याख्या अच्छे से व्याख्या को तो निश्चित भाव में आपण मानकर सम्मुख रखिलु। एथिरे जो साधक जेतेबेले मां को स्तुति करे सेतेबेले विशुद्ध चक्र रे साधक स्तुति करिवार आवश्यकता रहिते काहेकि ना ई जो मां होचंती बालक रूप रे एठी विराजित होइथांती किए ना देवी आ चतुर्भुजा दक्षिण हस्तद्वय स्कंद अंक उपरे रहिथिला बेले पद्म पुष्प अन्य हस्तरे थाए बाम हस्तद्वय पद्म एवं बरद मुद्रा बाहन होचंती सिंह वर्ण होची शुभ्र आसन होचंती कमल आउ महत्व विशुद्ध चक्र रे ई देवींकर चैतन्य मार्ग प्रति अग्रसर हबार क्षमता प्रदान करिथांती। तेणु ये जो माता ये होचंती मन रखिबा उचित ये माता होचंती पराक्रमी रो पराक्रम आउ बलवान रो बल विद्वान रो विद्या तपस्वी रो तप तेजस्वी रो तेज आउ ओजस्वींकर ओज हिसाब रे ये सृजनमयी मां होचंती स्कंद माता। कहले चंद्रहासा ज्वलंकर शार्दूल बरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवीदान बघातिनी देवीदान बघातिनी। वृतांत होचि देवींकर या महर्षिंकर ना होचि कत आ कतंकर पुत्र होचंति ऋषि कात्या कात्यांकर गोत्ररु विश्व प्रसिद्ध महर्षि जन्मलाभ करिथिले ना होचि कात्यायन। बहु वर्ष धरिकी तपस्या करिथिले कात्यायन आउ कौन पाई तपस्या करिथिले ना कन्या संतान टिए पाइबा पाई जाहिताई कन्या संतान नहु माँ भगवती प्रलम्बा माँ अम्बा अम्बिका अम्बालिका माँ जयदुर्गा को कन्या रूप से लाभ करिबा पाई तपस्या थिला महर्षि कात्यायनंकर। कहीं कात्यायन हुए तो एक जानिथिले जनमानस सकल पुराणर गोटाए सिद्धि थिला बेले पुत्रार्थे क्रियते भार्या थिला बेले कात्यायन जानिथिले सौभाग्य कन्या प्राप्ति। तेणु सौभाग्य वर्धक करिबा पाई बा सौभाग्य विवर्धन करिबा पाई ए ऋषि कात्यायन माँ भगवती को कन्या रूप से पाइबा पाई मनस्कामना रखिथिले। तेणु प्रथमे माँ भगवती को पूजा करिथिबा हेतु बा ये कात्यायनंक द्वारा प्रथमे पूजिता हेथिबा हेतु ना रहिला कात्यायनी आउ ये कात्यायनी महिषासुरर उत्पातरु देवगणंकु रक्षा करिथिले। अंकर स्वरूप होची भव्य दिव्य स्वरूप वर्ण सुवर्ण वर्णा चतुर्भुजा दक्षिण हस्तरे अभय वर मुद्रा बाम हस्तरे तरबारी पद्म बाहन होचंती सिंह साधक ये देवींकु आज्ञाचक्रे साधना कले निज साधनार सिद्धि होता है। ये होचंती षष्ठ मूर्ति देवींकर सप्तम मूर्ति भाव रे देवींकर जो मूर्ति को आम हुए तो पूजा करू ता से सप्तम मूर्ति को जीवा पूर्वर ये कात्यायनी प्रसंग रे आउ टिके विस्तृत भावना अच्छे श्रीमद भागवत रे स्वयं व्यास एक कहते ब्रजमंडल गोपी मैंने स्वयं भगवान श्रीकृष्ण को प्रार्थना करने प्राप्ति करने कात्यायनी को ही स्मरण करते तेणु ये कात्यायनी होती ब्रजमंडल आराध्या ठाकुराणी। तेरे ये कात्यायनी परे परे सप्तम जो देवी आराधना आम करेवी होती किए ना कालरात्रि ये कालरात्रि देवींर चतुर्भुज डाहाण हस्तरे बरद मुद्रा अभय मुद्रा बाम हस्त ललाट
रे शोभा पाए खड़ग लुहार खड़ग भयंकर रूप साधका सहस्रार चक्र साधना कले निश्चित भाव फलप्राप्ति होती तेणु ये हूँ माँ कालरात्रि रूप आलरात्रि को ध्यान करवा बेले एका बेणी जपाकर्ण पुराणग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलभ्यक्ता शरीरिणी वाम पादा लसद्लोह लताकंटक भूषणा वर्धन भुजा तृष्णा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी यही भाव ध्यान आउ माँ जितेबाला अष्टम रूप को आम माँ देखा जाती अष्टम रूप हूँ माँ महागौरी रूप बा अष्टम शक्ति बोलिक कहा जाए ये जो महागौरी रूप से माँ को ध्यान कला बेले से तो वृषई समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा सुचि महागौरी शुभंग दद्यात् महादेव प्रमोदतात् ये महागौरी रूप हूँ शांत कमनिया लज्जाशीला रूप अष्टम शक्ति महागौरी हूँ संपूर्ण गौरवर्णा से अष्ट बरसात भवेत गौरी बोलिकी कन्यार रूप को वर्णना कर ये कमनीय कांत मूर्ति भितर ये चतुर्भुजा बामरे डम्बरु बरद मुस्त्रा मुद्रा दक्षिण होचंति अभय मुद्रा आ त्रिशूल सबु धला ये माँ धला हूँ स्वच्छतार प्रतीक आ साधक मौन व्रत रहे दिन कठोर तपाचरण करते ये गंगा विधौत शरीर ये शुभ्रा कात्यायनी बर प्राप्ति होता आई शुभ्र महागौरी जो रूप ये महागौरी रूप से ही प्रभु भगवान शंकर प्राप्ति होते आई प्राप्तिर दिन हुए तो भगवान शंकर को प्राप्त कला बेले माँ संपूर्ण रूप से समर्पिता होते माँ पार्वती भाव एवं भव भवानी रूप से पूजिता होते जगत में तेणु ये हूँ अष्ट सिद्धि प्रदायन ये अष्ट सिद्धि प्रदायन कला बेले काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य पैशून्य ऐश्वर्या ये सबूर ये माँ निजर विस्तार लाभ करते तेणु ये हूँ माँ महागौरी रूप ये अष्टम रूप गला बेले नवम रूप से जिते बड़े ये माँ को आम ध्यान करूँ ये माँ हूँ सिद्धिदात्री न दुर्गा ये हूँ प्रकृत रूप सिद्धिदात्री ये सिद्धि प्रदायनी या ध्यान कला बेले सिद्ध गंधर्व जक्ष जरई सुरेरणा रईरपी सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायनी ये नवम शक्ति सिद्धिदात्री ये माँ अष्ट सिद्धि प्रदान करिपारंती कौन अष्ट सिद्धि ना अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाश ईशित्व वैशित्व ये सब प्रकार शक्ति आठ शक्ति की ये माँ आपण मान सम्मुखें सिद्धि प्रदान करती बोली हुए तो सिद्धिदात्री आ ये माँ हूँ चतुर्भुजा पद्मासना पद्मरूढ़ा दक्षिण हस्तरे गदा आ चक्र वाम हस्तरे पद्मा आ शंख सकल सिद्धि प्रदान करथिबा हेतु ये साधक को पूर्ण विजय प्रदान करती आउ शेष दुर्गा पूजार ये हूँ शेष रूप लौकिक पारलौकिक परम पदप्राप्ति पाई हुए तो ये माँ को साधना करा जाई था आउ ये माँ को साधना रे व्रती थाई शंकराचार्य आदि शंकराचार्य सनातन धर्मर परम धर्मगुरु शंकर शंकर वंदे ये माँ को स्तुति उद्देश्य माँ को स्तुति करते कह मंदार माला कलितालकाई कपाल माला अंकित कंधराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तेणु ये सिद्धिदात्री माँ को आराधना कले आपण को सकल सिद्धि मिलता है ये हूँ दुर्गा पूजार ये नवरात्र विधि आ नवरात्र पूजिता ये माँ हूँ न रूप आउ ये माँ परिशेष जो विजया दशमीर वार्ता आसे से विजया दशमी माँ को अपराजिता पूजा करा जाए जो अपराजिता पूजा गोटे अपराजिता लटा को हरिद्रा मंडित कर बलयाकृति आपत जदि मुद्रिक भाव धारण करती आपण सर्व विजय साधन होता है ये हूँ समग्र भाव ये शारदीय दुर्गा पूजार विस्तृत बरणी ये समस्त विस्तृत बरणी को आपण मान सम्मुखें रखी ये समग्र दुर्गा पूजा ये पार्वणर पूजा आपण मानी मंगलदायी हूँ शुभदायी हूँ बरदायी हूँ यही भावना कामना तथा नवोन्मादना सहित से मार चरणार बिंद तले पुणि थे सप्रेम नमस्कार जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे।